हेलो स्टूडेंट्स, प्रभातम में प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पाठ्य योजना के विषय में आपको विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रविष्टियां पाठ्य योजना में अंकित की जाती हैं। तो सबसे पहली प्रविष्टि है पाठ्य योजना संख्या। यहाँ पर जो भी पाठ्य योजना संख्या होती है, जिस नंबर की पढ़ानी होती है, वह अंकित की जाती है। दिनांक यानी कि डेट, यहाँ पर जिस दिन पढ़ानी होती है पाठ्य योजना, उसी दिन की डेट यानी कि दिनांक अंकित की जाती है। विषय यानी कि सब्जेक्ट, जिस विषय का टॉपिक हमने लिया है वही अंकित किया जाता है। हमारा संस्कृत का टॉपिक है, यहाँ पर संस्कृत विषय अंकित है। स्कूल और विद्यालय, जिस स्कूल या विद्यालय में छात्राध्यापक यानी कि पपिल टीचर पढ़ाने के लिए जाएगा, उसी विद्यालय या स्कूल का नाम क्षेत्र सहित यहाँ पर अंकित करेगा। कक्षा, हम देखते हैं कक्षा 8 के लिए ये पाठ्य योजना तैयार की गई है। वर्ग, वर्ग आ, घंटा, आवासा कोई भी हो सकता है। जो इस घंटे में विषय निर्धारित किया गया है टाइम टेबल में, वही यहाँ पर लिखा जाएगा। समय सीमा 30 मिनट की है और प्रत्येक विद्यालय में अपने अलग अलग समय सीमा निर्धारित की हुई होती है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखनी होती है। हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, उप विषय यानी कि सब सब्जेक्ट। यहाँ पर सब सब्जेक्ट है संस्कृत पोइट्री यानी कि संस्कृत पद। प्रकरण है परोपकार। उद्देश्यों के विषय में हम बात करते हैं। उद्देश्य दो प्रकार के हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हैं संस्कृत गद्य छात्रावृत रुचि उत्पन्नम करना, उचित आदोहे अवरोहे गति यति हिले भावानुसार श्लोक से पाठ पाठम कर्तुम योग्यताम प्रदानम करणम। श्लोका नाम मुख्य भागा भवान कि तुम योग्यताम प्रदानम करणम काव्य कथम वातावरण से सृजनम करणम। विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, छात्रान परोपकार प्रति रुचि उत्पन्नम करणम, छात्रान परोपकार से भावना उत्पन्नम करणम, परोपकार पुण्याय भवति इति भावना उत्पन्नम करणम, वसुदेव कुटुंबकस्य भावना उत्पन्नम करणम। हम देखेंगे पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज। छात्रः परोपकारः इति विषये सामान्य परिचिता सन्ति। शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स, लपेट श्याम पट्टा, संकेतक, धूलि मार्जनम, चौक चित्र इत्यादि। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो जो वस्तुएं हम प्रयोग में लाते हैं उन उनको यहाँ पर अंकित कर देते हैं। पाठ्य योजना के हमने 6 कॉलम बनाए हैं, 6 पार्ट किए हैं। और पहला है टीचिंग पॉइंट यानी कि शिक्षण बिंदु। सेकंड है निर्देशात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है छात्राध्यापक क्रिया, पब्लिक टीचर एक्टिविटीज, छात्र क्रिया स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, विधि प्रविधि और सहायक सामग्री यानी कि मेथड्स टेक्निक और टीचिंग एड्स। लास्ट कॉलम है मूल्यांकन यानी कि इवेल्यूएशन के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं, पहला शिक्षण बिंदु है हमारा प्रस्तावना। पूर्व ज्ञान प्रत्यक्षण इसका उद्देश्य है। छात्राध्यापक क्रिया में प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनके उत्तर देंगे। वयम कुतुम निपसामः, वयम भारत देशे निपसामः, भारते अधिकांश जनाः किम कार्यम कुर्वन्ति, अधिकांश जनाः कृषिम कुर्वन्ति। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। कृषक स्वभावेन कीदृशा भवन्ति, कृषक स्वभावेन परोपकारी भवन्ति, परोपकारः पाठस्य विषये किम जानत, स्पष्ट उत्तरम, समस्यात्मक प्रश्नम, उद्देश्य कथनम। अद वयम परोपकार इति पाठस्य विषय अध्ययनं करिष्यामः, छात्रा ध्यान श्रवणं करिष्यन्ति। प्रस्तुतिकरण ज्ञान इसका उद्देश्य है। प्रस्तुत पदे परोपकार विषय अध्ययनं करिष्यामः, छात्रस्य पुराणे शुः व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। यहाँ जो है एक तरह से भाषण विधि होगी और यहाँ पर एक परोपकार का चित्र प्रदर्शित किया गया है, जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए एक बालक रास्ता पार करा रहा है, ये परोपकार की भावना है। अब हम देखेंगे प्रथम अनुविधि आदर्श वाचन। आदर्श वाचन छात्राध्यापक करेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, अयम निजः परो विधि गणना लघु चेतसाम उदारचेतानां तु वसुदेव कुटुम्बकम्, दानेन तुल्यो निधिरः अस्ति नान्यो लोभाच नान्यो अस्ति रिपु पृथिव्याम, विभूषणम शील समम न चान्य संतोष तुल्यम धनम धन नमः अस्ति ही न्यायत। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है अनुकरण वाचनम, वाचन कौशल का विकास होगा। यहाँ छात्राध्यापिका कतिपय छात्राध्यापिका यति गति लय भावानुसार पाठम पठेष्यति, आदर्श वाचनम करिष्यति, छात्राध्यानेन श्रवणम करिष्यन्ति। विधि के अंतर्गत आएगा पाठ्य पुस्तक विधि। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकरण वाचन, हम वाचन कौशल विकास। कतिपय छात्रा भी पद्यांशस्य अनुकरण वाचन कारयितुं दास्यति छात्राध्यापिका, छात्रः अनुकरण वाचन करिष्यन्ति। यहाँ भी पाठ्यपुस्तक विधि रहेगी। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट देख रहे हैं काठिन्य निवारण, ज्ञान श्रवण कौशल विकास, भाषण कौशल विकास।
यहाँ शब्द और अर्थ रहेंगे, जो कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। व्यास से व्यास के वचन द्वयम दो वचन, अष्टादश अठारह, अयम इहे लघुचित साम तुच्छ हृदय, उदार चरित नाम उदार चरित्र, रिपु शत्रु निधि धन, संतोष तुल्यम संतोष के समान। छात्रा ध्यान कठिन शब्द अनुकरण वाचन करिष्यन्ति, कठिन निवारण करिष्यन्ति, पाठ्यपुस्तक विधि होगी यहाँ भी। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है द्वितीय विधि, श्रवण कौशल का विकास होगा। छात्राध्यापिका उचित आरोह अवरोह यति गति लय भाव अनुसार आदर्श पाठम करिष्यति, छात्रा श्रवणम करिष्यन्ति। यहाँ वाचन विधि और श्रवण विधि है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है अनुकरण वाचनम, वाचन कौशल विकास छात्राध्यापिका छात्रा भी अनुकरण वाचनम कार्यतुम दास्यति, छात्रा पदांशन से अनुकरण वाचनम करिष्यन्ति। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है बोधात्मक प्रश्न, इसमें है बोध और ज्ञान इसका उद्देश्य है। लघु चेतसाम का गणना अयम निजा पदोवेति, लघु गणना लघु चेतसाम, उदार चेतना वसुधाम कस समान, उदार चेतना वसुदेव कुटुम्बकम समान, पदोपकार कस्याय भवति, पदोपकार पुण्याय भवति। यहाँ पदोपकार की भावना का एक चित्र देखा जा रहा है, जो कि एक असहाय बच्चा है उसके लिए एक जो संपन्न बच्चा है वह भोजन करा रहा है। ये परोपकार के गुण की भावना बचपन से ही आती है छात्रों में, इस प्रकार के चित्र इनको इसीलिए प्रदर्शित किए जाते हैं। दानेन तुल्य का निधि अस्ति, दानेन तुल्य है को अपि निधि नास्ति। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण ज्ञान और बोध इसके उद्देश्य हैं। 18 है पुराणों में व्यास जी के दो वचन सार के हैं, परोपकार करो पुण्य के लिए, पीड़ा पहुंचाओ पाप के लिए, ये मेरा है और ये दूसरों का है, ये निम्न यानी कि तुच्छ बुद्धि के लोग सोचते हैं। उदार मन वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार जैसी होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी पर अगर कोई दुखी है तो उदार चरित्र वाला व्यक्ति वह ये नहीं सोचता है कि ये मेरा रक्त संबंधी है, उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाता है। दान के बराबर कोई दूसरा खजाना नहीं है, लोभ के बराबर कोई दूसरा शत्रु नहीं है, क्योंकि लोभ व्यक्ति को इतने निम्न स्तर पर गिरा देता है कि कहा ही नहीं जा सकता। विनम्रता के समान कोई दूसरा आभूषण नहीं है, विनम्र व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है, और संतोष के बराबर कोई धन नहीं है, जो व्यक्ति संतोषी है वह हमेशा सुख प्राप्त करता है। छात्रा ध्यान श्रवण करिष्यन्ति, व्याख्यान विधि है यहाँ पर। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है सौंदर्यात्मक प्रश्न, भाषा ज्ञान सौंदर्यात्मक विकास इसका उद्देश्य है। तुल्यम यहाँ ये बताने जरूरी है कि व्याकरणात्मक प्रश्न ही यहाँ सौंदर्य के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तुल्यम शब्द का विभक्ति अस्ति, तुल्यम इति शब्द द्वितीय विभक्ति अस्ति, वसुदेव इति शब्द से विच्छेद कुरु, वसुदेव शब्द से विच्छेद वस्तु प्लस एव अस्ति, पुराणेषु इति शब्द से का विभक्ति अस्ति, पुराणेषु इति शब्द से बहुवचन सप्तमी विभक्ति अस्ति। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है श्यामपटकार निरीक्षण कार्यश, लेखन कौशल विकास इसका उद्देश्य है। छात्राध्यापिका छात्रा भी निर्देशयति, यूएम श्यामपट सारांश लिखता तत्पश्चात निरीक्षण कार्यम करिष्यति, छात्रा श्यामपट सारांश लिखती ही तत्पश्चात गृह कार्य से निरीक्षित कार्यष्यन्ति। श्यामपट का इस प्रकार से है, सभी प्रविष्टियां अंकित की जाती हैं श्यामपट पर, दिनांक विषय स्कूल उप विषय कक्षा वर्ग घंटा समय इत्यादि, और उसके बाद टॉपिक यानी कि प्रकरण अंकित किया जाता है। इसका टॉपिक है पदोपकार यानी कि प्रकरण है पदोपकार, शब्द अर्थ जो काठिन्य निवारण किया गया था, व्यास से व्यास के वचन द्वयम दो वचन, अष्टादश अठारह, अयम इहे लघुचेत साम तुच्छ हृदय, रिपु शत्रु निधि धन, संतोष तुल्यम संतोष के समान, और स्पष्टीकरण किया गया है अष्टादश पुराणेषु द्वयवचनम सारो अस्ति ही, व्यास ऋषि महोदय से विशेषता अस्ति, प्रथम परोपकार पुण्याय भवति, द्वितीय पापाय परिण भवति। नेक्स्ट यानी लास्ट कॉलम है, लास्ट जो पॉइंट है वह है गृह कार्य, प्रत्यस्मरण नवीन ज्ञान लेखन कौशल से विकासा इसका उद्देश्य है। लोभ से समाह का ना अस्ति, संतोष तुल्यम का ना अस्ति, छात्र गृह कार्य अभ्यास पुस्तिका लिखिष्यन्ति। इस प्रकार से ये पाठ योजना पूरी हो जाती है, और समस्त इसमें जो टीचिंग पॉइंट्स हैं अंकित हैं, और छात्रों को अच्छी तरह से ज्ञान प्रदान करने के लिए पद्य की इसी तरह से पाठ्य योजना बनानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।